सत श्री अकाल जी, मैं सुरदीप अज लैके आई हाँ जी बहादुर सिंह गोसल जी की बाल कहानी लैके। बच्चों, जंगल का राजा शेर सब जंगली जीवों को बहुत नुकसान पहुँचा रहा सी। वो अपनी लोड़ तो वध जीवों को मार मार के सुट दिंदा। तो जंगल के सारे जीवों ने पंचायत करके फैसला किया कि हर रोज़ एक एक जंगली जीव शेर के शिकार बनने लिए उस को जाएगा, जिसनों खा के अपनी भुख मिटा सकेगा। ये फैसला शेर नूं भी दस दिता ते नाल ये शर्त रखी कि वह होर जानवरों नूं नहीं मारेगा। इस तरह हर रोज़ एक एक करके जंगली जीव शेर कोल जांदे ते शेर उसनों मार के अपनी भुख मिटा लैंदा। कई दिनों बाद एक खरगोश की वारी आई तो वह जान बुझ के शेर कोल लेट गया। शेर गुस्से विच बैठा सी तो खरगोश नूं देख के गुस्से विच बोलिया, ओए खरगोश दे बच्चे, तू लेट क्यों आया है? मैं बहुत देर तो तेरा इंतजार कर रहा हाँ। खरगोश ने अपनी सफाई विच कुछ कहना शुरू ही किया सी कि शेर फिर गरजिया, हुण तू मेरे वर्गे दूजे शेर का बहाना करके मैनू खूह विच सुट्टन की कहानी घड़ेगा? मेरा बुजुर्ग तो मूर्ख सी जिसने तेरे चतुर बुजुर्ग दियां गल्लां विच आके खूह विच छाल मार दित्ती सी। मैं तो नवे जमाने का आधुनिक शेर हाँ, मूर्ख नहीं। शेर की गल सुन खरगोश चकन्ना हो गया, पर बहुत ही फुर्ती नाल गल बदलदिया बोलिया, जनाब मैं तो तुहानू यही गल कहन लग्या सी कि तुसी मूर्ख नहीं हो, तुसी तो बहुत ही समझदार ते सियाने हो। खरगोश की गल सुन के शेर खुश हो गया ते पुछया, तेनू किवें पता? तो खरगोश फिर बोलिया, देखो ना, मैं छोटा जिहा खरगोश, तुहाडी एक बुरकी जिहा, तुहाडी जाड़ हेठ भी नहीं आवांगा। मैनू खा के तुहानू की मिलूगा? इसलिए मैं सोचदा हाँ कि तुहाडे लई कोई वड्डा सारा जानवर लभ के लियावां तां जो तुहाडा पूरा पेट भर जाए, इसलिए मैनू तुसी खाण की मूर्खता नहीं करोगे। शेर हवा छक गया, बोलिया, हाँ हाँ ठीक है, तू जल्दी जा कोई वड्डा जानवर लैके आ, मैं इत्थे ही तेरा इंतजार करदा। इन्ना सुनन की देर सी कि खरगोश दौड़ गया ते जंगल दे नाल लगदे पिंड विच एक ऊठ नूं जा मिलिया ते शेर तो जानवरां दे छुटकारे लई अपनी सारी स्कीम समझा दित्ती। ऊठ समझ गया ते उस दी स्कीम विच शामिल हो गया। हुण खरगोश ने एक वड्डी टल्ली लिया के ऊठ दे गल बन दित्ती ते आप ऊठ दे उपर बैठ के जंगल विच शेर वल चल पिया। जदों तुरन समय ऊठ दे गल टल्ली वजदी तां रस्ते विच सारे जंगली जीव उस कोल इकट्ठे होण लगे। जंगली जीवों नूं बाहर आउंदिआं देख के ऊठ ते बैठा खरगोश कह रिहा सी, आओ सारे, जंग दा ऐलान हो चुका है। सब जीव उन्हां दे पिछे लग तुरे, की छोटे ते की वड्डे, सब जंगली जीव सैना दी तरह उन्हां दे पिछे पिछे जा रहे सन। जंगली जीवां दे बच्चों लई तां एक तमाशा बन गया सी, ओह वी ताड़ियां मारदे पिछे दौड़दे जाण। ज्यों ज्यों टल्ली वजदी जावे हर किस्म दे जंगली जीव काफले विच शामिल हुंदे जाण। शेर कोल पहुँच के खरगोश बोलिया, देखो शेर, अज राजा मैं हाँ, ये ऊठ तेरा वड्डा शिकार है। पर इस तो पहला ही सारे जीवों ने शेर नूं घेर लिया। हाथियां, गेंडियां, दूजे वड्डे जीवों ने छोटे जीवों लई सुरक्षा चक्कर बना लिया। शेर घबरा गया पर दब्बी पूछ वह ऊठ वल वध्या तो एक हाथी ने ठुड मार के उन्हें दूर सुट दिता। जो उठ्या तो दूजे हाथी ने सुंड नाल चुक के धरती ते मारिया। एक जंगली गधे ने दलत्ता मार के उसके मूँह के सारे दंद तोड़ के लहू लुहान कर दिता। जंगली जीवों के सब बच्चे जोर जोर की ताड़ियां मारन लगे। जदों शेर निडाल हो के मौत के नेड़े पहुंचा तो खरगोश ऊठ तो हेठां उतरिया तो शेर कोल जाके कहा, हाँ भी आधुनिक शेर, तू अज भी मूर्ख है, तेरी मूर्खता कारण ही मेरी ते बाकी जीवां दी जित होई है। याद रख, गरीबां, कमजोरां, निमाणियां ते जुलम करन वाले सदा ही मूर्ख हुंदे हन। देखदे देखदे शेर ने प्राण त्याग दित्ते। हुण खरगोश ने सब जीवां दा, खास करके ऊठ दा धन्नवाद कीता ते सब जीव अपने किलकारियां मारदे बच्चों नाल घरां नूं चले गए। सो बच्चो, इस कहानी तो तुसी की सिख्या? ये कहानी सानूं दसदी है सिर्फ ताकत होण नाल जां शरीर वड्डा होण नाल असीं जित प्राप्त नहीं कर सकदे, चतुराई नाल, दिमाग तो कम लै के, सही समय ते सही फैसला लै के असीं जित प्राप्त कर सकदे हां। चाहे साडा शरीर छोटा है, चाहे साडे विच घट ताकत है, पर सोच ते समझ, टाइम ते कम करनी चाहीदी है। सो ये कहानी तुहानूं किद्दां दी लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ। जेकर चंगी लगी तां शेयर जरूर करिओ। जेकर मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता होया तां सबसक्राइब कर दिओ जी, ते घंटी दा बटन भी जरूर दबा दिओ तां जो इदां दीआं कहानियां मैं तुहाडे तक पहुँचा सकां। धन्नवाद जी।